बादल पहुंचे ने गल देख के कि क्या चाहते पंजाबियों एन आर आई जो तकलीफ हुई है कितना कितने मैं भी आके उन्होंने हाल चाल पूछा क्योंकि जो हालत की गई है विह समागम दौरान अगर बच्चे भी डर गए थे या सहन गए थे इस तो बाद हूँ लगा कितना कितने सुनवाई हो सकती। First of all, I would like to say thank you to Mr. Sukhbir Singh Badal, KOI, Sade Kol, they were concerned about it. But Sunwai, as far as Sunwai, I think present government hasn't done anything yet. Ona nu chahida hai ki they need to do something. I would like to clear one thing for sure. वी आर नॉट के सानू कोई असी कोई पार्टी किसी फेवर कर रहे हैं जा कुछ इस जस्ट एज अ इंडिविजुअल सानू लगता है कि गलत होया साडे नाल ते सानू इहदा इंसाफ मिलना चाहिए। तो हुण तक पुलिस ने कहते कि परचे करते हैं 12 लोगों के परचा देता कि तुसीं कह रहे हो कि साडे भी किसी ना किसी गैस से भी साडे गैस से परचे हुए वो उस दिन उस रात नहीं हुए सी वो परचे उस रात को साडे गैसटां ते पहले हुए सी जिहड़े जिहड़े गुंडे आए सी उन्हां दे उत्ते कोई परचा नहीं सी होया उन ओ ओदे वर पंजाब सरकार जिहड़ी नवी बदलाव दी सरकार बणी है हुण तक किसे कोई नुमाइंदा कोई एमएलए या कोई फोन नहीं जी नहीं बिल्कुल नहीं नॉट एट ऑल किसी ने कोई नहीं कुछ नहीं किया। हुण पंजाब च काफी किन्ने समय बाद पंजाब च आए तुसीं? आई मैं साल च दो वारी आउंदी हां पर मेरे बच्चे जड़े वो 12 साल बाद आए थे। तो थोनु फर्क लगा हुण कि नवी सरकार दे बाद सुनिया सीगा बदल गया बदला आ गया सुनिया सीगा पर कोई बदला नहीं हैगा। आई थिंक इट्स गेटिंग वर्स नथिंग इज राइट। सो किवें असी डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने पंजाब नु पहला से किने सुने चिड़ी पंजाब जिन्ना मैं इस स्टेट नू समझदी हाँ जा समझिया सो फार मैनू लगता कि पहला मैनू लगता हुंदा सी कि लोग अपने बच्चे बाहर भेजते हैं पर आई एम ग्लैड प्लीज़ लीव द स्टेट माई रिक्वेस्ट टू यू अपने बच्चे बचाने जस्ट लीव द स्टेट इत्थे कुछ नहीं जे रखिया जे इत्थे गुंडा राज है दैट्स ऑल कोई किसी की सुनवाई नहीं हैगी इत्थे फ्रेंड सर्कल काफी टेंशन होएगा वेरी आई एम गेटिंग कॉल्स एवरी फ्रॉम एवरीवेयर वो कहिंदे छड्डो जो भी हैगा वापस आओ कुछ नहीं जे इत्थे वापस आ जाओ बस तुसीं सारे जाने हुण वापस जाण दा मन बणिया अजे फिलहाल कि नहीं नहीं माई ब्रदर इत्थे हैगे आ सारा कुछ करनगे मैनू भी जे टिकट एक्सटेंड करवाउणी पई आई विल डू इट। वीर बादल पहुंचे ने पहल की उन्होंने कि मैं पहल के आधार पर मिलकर आवा जो परिवार को दिक्कत हुई है कि लगता है कि इस तरीके दे नाल सोचा सी कि पंजाब आने नाल इस तरीके का माहौल होएगा वो पंजाब जिदों असीं सोने की चिड़ी कहिंदे सी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी बहुत बहुत धन्यवाद बादल जी का भी जिहड़ा साडी खबर पढ़ के सानू मिलन आए सानू तलासा देन आए जी। बाकी अगे बड़ी वारी गल हो चुकी है जी इस तो माड़ी हरकत नहीं हो सकती जो साडे नाल हो गई है क्योंकि तुसीं सारिआं वेख्या ही आ सो सारी दुनिया ने वेख्या बहुत माड़ी हरकत होई आ सानू इस चीज़ इंसाफ चाहिए जी साडी होर कोई नहीं गी साडी किसी ने परसनल दुश्मनी नहीं हैगी ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਲਓ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਇਹ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਲਾਅ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੁਛ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਟੀਏ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਹੋਣਾ ਕ੍ਰੋਸ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਡਰਾਉਣਾ ਤੇ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਸ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੇਖੋ ਅੱਗੋਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਬਾਕੀ ਆਸ ਆ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਟਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਪੈਟਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਐਡੀ
रेपूटेशन खराब जाऊगी। मैं क्या इन्होंने अपोलोजाइज करने वास्ते मैं इन्होंने घर आया कि साढ़े सूबे आ होया। मैं हूँ पुलिस कमिश्नर ना भी तो लॉ एंड ऑर्डर जो हैड है पंजाब पुलिस उन्होंने गल की है। मैं क्या जी आ इज्जत सूबे की इज्जत का सवाल है, आ अपने मेहमान है, अपने मेहमान पंजाब चो बाहरों आए हैं, इन्हों के बच्चे जोड़े पहली बार जिंदगी इंडिया आ रहे हैं पंजाब आ रहे हैं की इंप्रैशन लैके जाएंगे अगे तो की गल कहे अपने सूबे बारे। सो एज ऑन द रेपूटेशन ऑफ टू सेव द रेपूटेशन ऑफ पीपल ऑफ आ स्टेट आई परसनली कम एंड अपोलोजाइज टू दैम। तो मैं पुलिस कमिश्नर तो DGP साहब न भी बेनती कराँगा, DGP साहब इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड एंड मैटर ऑफ कीपिंग द प्राइड ऑफ द स्टेट हाई, प्लीज टेक एक्शन इमीजिएटली, अदरवाइज आर होल पार्टी एंड वी विल गैट ऑल सिटीजन टूगैदर एंड वील फाइट दैम। एंड जो सब तो माड़ी गल है कि इन्हों के परचा देता मेरे घरे फंक्शन कोई अटैक कर दिंदा है तो मेरे घर के बंदे जो परचा दे दोगे आ कितों का इंसाफ है। आ सारा इलीगल एक्ट किया गया, पुलिस ने धक्का किया है एंड श्रोमणी अकाली दल विल नेवर एक्सेप्ट दिस। मैं अपने पार्टी यूनियन में भी किया तो आई विल टेक इट अप एट ऑल लेवल्स। पर सर जिस तरीके ना शराब की गुंडागर्दी इस तरह के सामने माफिया गुंडागर्दी दी किस तरह देखते हो? कोई कानून नहीं, कोई कानून नहीं जिथे तुसी कह सकते हो कि कल्ले इस ठेके तो तुसी लेना है। पंजाब विच कितों मर्जी तुसी खरीद सकते हो शराब एज पर एक्ट एज पर लॉ, तो फिर किमें तुम आके गुंडागर्दी कर सकते हो कि साढ़े ठेके तो खरीदी है साढ़े तो नहीं की है। आ सारी गुंडागर्दी अफसर एक्साइज अफसर ना मिलकर पुलिस ना मिलकर हो रही है। पंजाब सरकार के सवाल भी वड्डे आते हैं कि सरकार कहती है कि असी सफाया करते पे हाँ जिन्हें हाथ में टीके से गोलियां सी असं टिफिन फड़ाने पे हाँ इससे सी। मैं आ इशू नू पोलिटिसाइज नहीं करना चाहता। देखो मेरी मेरा इंटेंशन कोई पॉलिटिक्स खेडन का नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है ना इशू पोलिटिसाइज करन दा, क्योंकि आ एज ह्यूमन आई फेल्ट बैड कि साढ़े स्टेट कोई NRI आए।